सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल मासाब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथियों, कुछ दिन पहले मैंने प्लास्टिक आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया था जो कि मेरा कल डिलीवर हो गया है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें कैसे अप्लाई करना है प्लास्टिक आधार कार्ड के लिए, हम कैसे इसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं और ये हमें कितने दिन में डिलीवर हो जाएगा और क्या है इसमें खास। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पहले मैं आपको अपने पुराने आधार कार्ड की कंडीशन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कंडीशन है इसकी, ये पूरा डैमेज हो चुका है क्योंकि मैं इसको अपने साथ रखता हूँ हमेशा। ये देखिए, पूरी तरह से डैमेज हो चुका है ये, तो इसीलिए मैंने प्लास्टिक कार्ड के लिए अप्लाई किया था। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लास्टिक आधार कार्ड में क्या खास है। बताया जाता है कि इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स ऐड किए गए हैं जो इसको और भी मज़ेदार और कमाल का बना देते हैं। एनवलप में ये पेपर निकला है। इस पेपर पे देखिए, ऊपर यहाँ पर कार्ड जो था वो पेस्ट था यहाँ पर। यहाँ देखिए, इस पर लिखा हुआ है जारी करने की तिथि, इनविजिबल लोगो, घोस्ट इमेज, होलोग्राम, ग्लोच पैटर्न और माइक्रो टेक्स्ट। और बैक में है इसके में क्यूआर कोड, प्रिंट डेट और ग्लोच पैटर्न। ये जो आधार कार्ड है प्लास्टिक वाला, इसमें ये सारे सिक्योरिटी फीचर्स ऐड किए गए हैं जिनमें इनविजिबल लोगो, घोस्ट इमेज, होलोग्राम, ग्लोच पैटर्न, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करी गई हैं। और बैक में आपको दिया गया है क्यूआर कोड जिसको आप स्कैन कर। ये कार्ड को देखते हैं। देखो, इसमें लेफ्ट साइड में आपको जो प्रिंट डेट है वो मिल जाएगी जो कि पुराने कार्ड पर नहीं थी। फिर देखिए, आपको इनविजिबल लोगो जो आधार का लोगो है वो मिल जाएगा आपको। इधर आपको घोस्ट इमेज मिल जाएगी और नीचे अगर आप देखेंगे तो माइक्रो टेक्स्ट, ग्लोच पैटर्न और आपको ये आधार का होलोग्राम मिल जाएगा। ये होलोग्राम दिया गया है यहाँ पर जो इसकी सिक्योरिटी में चार चांद लगा देता है। इस कार्ड को आप आधार की ऑफिशियल साइट से अप्लाई कर सकते हैं। ये 50 रुपये में आपके घर बनकर आ जाएगा। कोई अलग से आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देना है। और मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी ट्रैकिंग कैसे कर सकते हैं, तो ऊपर आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक आपको दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको आधार की साइट का ऑफिशियल लिंक दे दूँगा जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कार्ड को बैक साइड से देखते हैं। तो देखो, बैक साइड में आपको मिल जाएगा प्रिंट डेट, ग्लोच पैटर्न और क्यूआर कोड। तो इसमें क्यूआर कोड बैक साइड में दिया गया है जिसको कि हम ऑफलाइन स्कैनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही प्रीमियम है। आप इसको आसानी से अपनी पॉकेट में रख सकते हैं और ये आसानी से ख़राब नहीं होगा। ये ना तो ग्लोच पैटर्न है ना घोस्ट इमेज है। जो पुराना आधार कार्ड है उसमें कोई भी सिक्योरिटी फीचर ऐड नहीं किया गया था, लेकिन अब इस कार्ड में बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर ऐड किए गए हैं।